सो गाइस कैसे सब अच्छे है। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम देखने वाले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे गेम मोड जो है वो यहाँ पे ऑन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से गेम मोड आपको किस तरीके से ऑन ऑफ करना है, मतलब इनेबल डिसेबल करना है, ये इस वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और आपको बता दो ये सब भी डिवाइस के लिए, मतलब आपका कोई भी डिवाइस हो, ओप्पो हो, एमआई हो, रियलमी हो, आईफोन हो, कौन सा भी डिवाइस हो, अगर आईपैड हो, ये सभी डिवाइस के लिए मतलब आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ये एक ही सेटिंग करने के बाद आपका ये जो गेम मोड है वो ऑन हो जाएगा। तो अब इस गेम मोड का क्या यूज़ है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस गेम मोड को ऑन कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा बैक आ जाना है। और बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा सेटिंग के अंदर आ जाना है। तो चलो यहाँ पर हम सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते यहाँ पर सेटिंग के अंदर आ जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, कौन सा भी डिवाइस हो जाए सिर्फ आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर सर्च कर देना है। सर्च करना क्या कर सर्च करना है, सिर्फ गेम सर्च करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने गेम सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपको इसे सर्च के लिए यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे सर्च हो जाएगा तो इसके बाद ऐसे सारे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगी आपके सामने। दो ऑप्शन आ सकती है, एक तो गेम असिस्ट और दूसरा आ जाएगा गेम मोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे रियलमी डिवाइस के ऊपर यहाँ पे गेम असिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो भी ऑप्शन आ जाएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आ जाएगा मैनेज बाय गेम्स। अगर ये आता है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे जो आपके गेम है उस गेम को आप ऑन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बीजीएमआई का यहाँ पे ऑन है, इस वजह से बीजीएमआई के अंदर ये दिखाई दे रहा था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गेम मैसेज ये ऑन है या ऑफ है, ये आपको देख लेना था। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अब ऑफ है, इसे मैंने ऑन कर दिया, ऐसा ही करना है। और दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे मतलब एक प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे। और उस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप मतलब गेम मैसेज को ऑन कर सकते हो। तो ये हो गया, अब दिखा देते हैं कि अब इसका यूज क्या है। तो इसका यूज भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम इसे मतलब यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है, इससे ही देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन। पहले देखा मैसेंजर, मतलब आप मैसेज कर सकते हो किसी को भी गेम खेलते वक्त। उसके बाद व्हाट्सएप है, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप भी दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते गेम के अंदर आप किसी भी स्मॉल स्क्रीन से यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। ये हो गया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, वीडियो करने का टाइम भी दिखा सकते हैं, आपका FPS क्या है ये सब कुछ दिखा सकता है, टेम्परेचर दिखा सकता है। उसके बाद कॉल को भी रिजेक्ट कर सकते हो, गेम के खेलते वक्त अगर किसी ने कॉल किया तो उस कॉल को भी आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।